हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने डिस्क इंसुलेटर लगाए जाते हैं। दोस्तों, आपने बिजली की लाइनें देखी होंगी जो कि बड़े बड़े टावरों पर जाती है या फिर खंभों पर जाती है, तो उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, जो कि देखने में इस प्रकार का होता है। इसको हम डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई खंभों पर तो ज़्यादा डिस्क इंसुलेटर लगे होते हैं, बट कई खंभों पर बहुत ही कम डिस्क इंसुलेटर लगे होते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में हाई वोल्टेज यूज़ होती है वो हमारे पास होती है 11 केवी वोल्ट, उसके बाद दोस्तों 33 केवी। दोस्तों, बेसिकली जो 11 केवी और 33 केवी है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हम ट्रांसमिशन के लिए सप्लाई यूज़ करते हैं वो हमारे पास है 60 केवी, उसके बाद 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और लास्ट अभी तक जो हमारे इंडिया में सप्लाई यूज़ हो रही है वो हो रही है 765 केवी। तो दोस्तों, इन वोल्टेजेस पर हमारे इंडिया में जो पावर है वो ट्रांसमिट की जाती है। अब हर लाइन की अलग अलग वोल्टेज है, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर डिस्क इंसुलेटर लगाए जाते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सी लाइन पर कितने डिस्क इंसुलेटर लगेंगे और उसे निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये भी पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद हर बंदा इजीली निकाल सकता है कि हमें कोई भी वोल्टेज की अगर लाइन दी हो तो हमें कैसे निकालना है कि उसके ऊपर कितने डिस्क इंसुलेटर लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एक डिस्क इंसुलेटर होती है, मतलब जो एक डिस्क होती है उसकी जो वोल्टेज है उसे हम, मतलब एक डिस्क को हम कितनी वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी एक डिस्क इंसुलेटर होती है उसे हम 11 केवी वोल्टेज पर डिज़ाइन करते हैं। मतलब जो हमारी एक डिस्क इंसुलेटर होगी वो 11 केवी तक वोल्टेज को इजीली कैरी आउट कर लेगी, मतलब इस वोल्टेज पर उसे कोई भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यह तो पता लग गया कि जो एक डिस्क है वो 11 केवी तक वोल्टेज को इजीली कैरी कर लेती है। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें नंबर ऑफ डिस्क निकालनी है कि हमें पर्टिकुलर लाइन पर कितने डिस्क लगानी है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर होता है नंबर ऑफ डिस्क, आपने किसी भी लाइन पर कितनी डिस्क लगानी है उसे निकालने के लिए फॉर्मूला है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 11 केवी। अब दोस्तों देखिए, लाइन वोल्टेज यहाँ पर वो वोल्टेज होगी जो कि हम लाइन पर यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 132 केवी की लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज होगी 132 केवी। ऐसे ही अगर आप 400 केवी की लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज 400 केवी होगी। और रूट 3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है। मैंने पीछे भी कई वीडियोज में इस वैल्यू को यूज किया है। और इसके अलावा जो 11 केवी है जे, क्योंकि एक डिस्क की जो हमारी डिजाइनिंग वोल्टेज है वो 11 केवी है, इसलिए यहाँ पर 11 केवी यूज़ किया है। अब दोस्तों, इससे आपको नंबर ऑफ डिस्क तो निकल जाएगी कि पर्टिकुलर लाइन पर आपको कितनी डिस्क लगानी है, बट दोस्तों इसके अलावा हमारे पास एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लाइन पर निकालना है कि कितनी डिस्क का यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले तो आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मान के चलना होता है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइंस पर डिस्कें लगाई जाती हैं वो लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, मतलब इसे इजीली हम रिप्लेस नहीं कर पाते। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानकर चलते हैं, मतलब हम एक या दो डिस्क, 1 और 2 डिस्क एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं सेफ्टी फैक्टर को रखते हुए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हमारी एक डिस्क पंक्चर भी हो जाती है या फ्लैश ओवर भी हो जाती है, तो अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले ही माना हो तब भी हमारी लाइन चलती रहेगी, हमें उस डिस्क को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर हमने सेफ्टी फैक्टर का यूज़ नहीं किया होगा, मतलब उतनी ही डिस्क लगाई हो जितनी इस फॉर्मूले से निकल के आएंगी, तो हमें वो डिस्क बदलनी ही पड़ेगी, तभी वो हमारी लाइन चल पाएगी, नहीं तो वो लाइन नहीं चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब भी हम डिस्क की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि हमें कितनी डिस्क लगनी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो इस फॉर्मूले से
डिस्क आएगी वो तो इसेंशियल है, मतलब इतनी तो हमें लगानी ही पड़ेगी। अगर हम इतनी डिस्क का यूज ही करेंगे तब भी हमारी लाइन चल पाएगी, ठीक है, बट हम फिर भी अपना एक सेफ्टी मार्जिन रख के चलते हैं जो कि एक या दो डिस्क हम एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं, एज पर अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लगा लेते हैं कि हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम एक डिस्क भी लगा लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रखते हुए, और अगर हमारे पास ज़्यादा डिस्क अवेलेबल है या फिर ज़्यादा बड़ी लाइन है तो वहाँ पर हम दो डिस्क का उपयोग भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमें कौन सी लाइन पर कितनी डिस्क का यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं 11 केवी लाइन की। तो दोस्तों अब हम इसके लिए निकालेंगे कि हमें कितनी डिस्क का यूज़ करना है, तो सिंपल इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क निकालनी है तो लाइन वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर दोस्तों आ गया 11000। मैंने क्या किया, केवी को वोल्टेज में चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद रूट थ्री की वैल्यू हमारे पास पता है 1.732 होती है, इंटू 11 केवी को हम फिर से 11000 लिख देंगे, तो हम नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं इसे थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 11000 भाग 19000 बूंजे, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज है वो लगभग सेम ही है, हर फॉर्मूले में यही वैल्यूज रहेंगी, तो हमें सिंपल क्या करना है, लाइन वोल्टेज को डिवाइड कर देना है 19000 बूंजे से, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.577, ठीक है। तो इसे अप्रोक्स लिखें तो ये आ जाएगा एक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 11 केवी की लाइन है उसके लिए हमें एक डिस्क का यूज करना होता है जो कि इस फॉर्मूले से आई, ठीक है। बट आपने कई जगह देखा होगा कि अगर 11 केवी की लाइन को एक की जगह दो डिस्क भी यूज की होती है तो उसमें क्या करते हैं, वो एक डिस्क एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गई तो 11 केवी पर दो नंबर डिस्क का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डिस्क का यूज करोगे तो आपकी लाइन नहीं चलेगी, एक डिस्क से भी आपकी लाइन अच्छे से चलेगी, बट एक डिस्क हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मानते हुए एक्स्ट्रा डाल लेते हैं। ऐसे ही कई जगह दो भी डाल लेते हैं तो आपको 11 केवी की लाइन पर तीन डिस्कें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जहां से क्लियर हो गया कि 11 केवी लाइन पर आप एक या दो, मतलब मिनिमम आपको दो वैसे यूज करनी ही चाहिए क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के ही चलना चाहिए, ठीक है। तो इतनी डिस्क का यूज करना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं 33 केवी लाइन। तो दोस्तों फिर से सिंपल, हमें अब यहां पर लाइन वोल्टेज को चेंज करना है। जैसे यहां पर हमने 11000 यूज किया तो यहां पर हम 33000 यूज करेंगे, भाग जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि जो डिनोमिनेटर की फॉर्मूला है वो सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये फिर से आएगा 19000 बूंजे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों हमारे पास आ जाता है 1.73, ठीक है। तो अगर हम इसे अप्रोक्स लें तो ये दो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारे पास 33 केवी लाइन है उसके लिए हमें दो नंबर डिस्क बहुत है इजिली चलाने के लिए, बट फिर से हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मान के चलना है तो यहाँ पर प्लस वन, मतलब एक या दो, जैसे कि आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक या दो डिस्क के हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो 33 केवी लाइन है उसके लिए हम तीन नंबर या फिर अगर हम दो लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो चार डिस्कों का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 33 केवी लाइन है उसके लिए हम तीन या चार डिस्कों का यूज करते हैं। बट कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ दो डिस्कें भी डालते हैं 33 केवी को क्योंकि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नहीं मानते हैं, ठीक है। बट हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलना चाहिए क्योंकि जो 33 केवी लाइन है एक हाई वोल्टेज लाइन है तो इसकी जो डिस्क रिप्लेसमेंट है वो इजीली नहीं हो पाती, ठीक है। तो हमें पहले ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मान के चलना चाहिए। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं 60 केवी लाइन की, क्योंकि हमने 11 केवी लाइन की बात भी कर ली, 33 की भी कर ली, अब हमारे पास आता है 66 केवी लाइन, ठीक है। तो फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस चेंज क्या होगा, लाइन वोल्टेज चेंज होगी। तो यहां पर आ जाएगी 60000 भाग 19000 बूंजे, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 3.4 से, तो मतलब अप्रोक्स आ गया 4, ठीक है। अब फिर से इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर लगाएं तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 1,
तो फिर से अगर हम इसमें अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएं तो 4+1 5 नंबर, या फिर अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 मान के चलें तो 4+2 6 नंबर। तो इसका मतलब जो हमारे पास 60 केवी लाइन है उसमें हम 5 या 6 नंबर डिस्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली हमारे पास जो लाइन की वोल्टेज है वो है 132 केवी। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने इजीली हम निकाल सकते हैं किसी भी वोल्टेज के लिए कि हमें कितने डिस्क इंसुलेटर का यूज करना है। तो यहां पर अब फिर से चेंज क्या हो गया, वोल्टेज चेंज होगी तो ये आ जाएगी 132,000 वोल्ट भाग हमें सिंपल 19,000 बूंजे से करना है। ठीक है, तो मतलब आपको एक सिंपल सा तरीका पता लग गया कि लाइन वोल्टेज को डिवाइड कर दो 19,000 बूंजे से तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क आ जाएगी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 6.92। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 7। ठीक है, अब फिर से अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी माने जो कि 1 और 2 है तो यहां पर 7+1 8 नंबर, और ऐसे ही 7+2 9 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 132 केवी की लाइन है उसके लिए हम 8 नंबर या 9 नंबर डिस्क का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास अगली वोल्टेज है वो है 220 केवी। अब दोस्तों आप देख सकते हो जो 220 केवी लाइन है ये कि हाई टेंशन वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो हमें इनमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो जरूर ही रखना चाहिए क्योंकि इन लाइन्स में रोज रोज आप शटडाउन भी नहीं ले सकते और इनकी डिस्क को बदलना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लाइन वोल्टेज यहां पर आ गई 220,000 भाग 19,000 बूंजे। सिंपल हमें लाइन वोल्टेज को 19,000 बूंजे से भाग कर देना है। तो जब हम इसे भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 11.54। ठीक है, जो कि अप्रोक्स 12 आ जाएगा, और इसमें हम फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी माने तो 1 माने तो ये आ जाएगा 13 नंबर। ऐसे ही अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 डिस्क लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 220 केवी लाइन है उसके लिए हम 13 या 14 नंबर डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास अगली आ गई 400 केवी लाइन। तो दोस्तों फिर से हमें इस फॉर्मूले में लाइन वोल्टेज को चेंज करना है तो ये आ जाएगा 400,000 वोल्ट भाग 19,000 बूंजे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 20.99। तो ये अप्रोक्स आ गया 21। अब फिर से इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम 1 माने तो 22 नंबर डिस्क आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 माने तो 21, 2, 23 नंबर। इसका मतलब जो हमारे पास 400 केवी लाइन है उसमें 22 या 23 नंबर डिस्क का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको 765 केवी लाइन के लिए निकालना है कि कितनी डिस्क का यूज होगा। ठीक है, और इसका आप आंसर कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक आप खुद हाथ से नहीं करोगे कि आपको कैसे निकालना है कितने नंबर ऑफ डिस्क यूज होंगी तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों जहां से अब आपको क्लियर हुआ कि आपको कैसे निकालना है कि कौन सी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन पे आपको कितनी डिस्क का यूज करना है, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों अब आपको ये भी क्लियर हुआ कि आप डिस्क देखकर भी पता लगा सकते हो कि जो पर्टिकुलर लाइन है वो कितने केवी की है, क्योंकि आप डिस्क गिन के फिर आपको पता लग जाएगा ये कितने केवी की लाइन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।